बड़कोट में अपनी अनूठी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध रवाई घाटी की बनाल व ठकराल पट्टी में ऐतिहासिक देवलांग की अलग ही पहचान है। उत्तरकाशी जिले की रवाई घाटी में पौराणिक सभ्यता व संस्कृति के अनुरूप त्योहारों व उत्सवों को बड़े स्तर पर मनाने का रीति रिवाज पौराणिक काल से चला आ रहा है। यही कारण है कि रवाई घाटी के लोगों के त्योहारों को अनूठे रूप में मनाए जाने से प्रत्येक त्यौहार अपनी अलग ही विशिष्टता प्रदान करता है। ऐसा ही एक त्यौहार है देवलांग। यह त्यौहार दीपावली के ठीक एक महीने बाद मनाया जाने वाला मांगसीर की बग्वाल के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह यह त्यौहार इस बार भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर यमुनोत्री विधायक केदार रावत ने मेले का शुभारंभ कर संस्कृति के मैदान के लिए 5 लाख की घोषणा की और विभिन्न सांस्कृतिक कलाकारों द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन भी किया गया। देवलांग के इस पर्व की तैयारी बनालपट्टी क्षेत्र में साठी और पानशाही तो के ग्रामीण एक महीने पहले से ही शुरू कर देते हैं। तैयारियों के सभी कार्य प्राचीन काल से चली आ रही सभ्यता के अनुरूप बटे हुए हैं। यहाँ देवलांग के लिए पहले ही छिलके तैयार किए जाते हैं जो निश्चित गांव के लोग तैयार करते हैं। अमावस्या के दिन गांव के लोग व्रत रखकर बड़ी श्रद्धा के साथ देवदार के लंबे साबुत पेड़ को मंदिर के प्रांगण में लाते हैं और विशेष पूजा कर पेड़ के बाहर छिलके बांधकर उसे तैयार करते हैं। रात्रि में गांव-गांव से ग्रामीण ढोल नगाड़ों के साथ अलग अलग समूह में नाच गाकर गैर गांव पहुंचते हैं, जहां पूरी रात ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच गानों के साथ बिताई जाती है और सुबह होने से पहले देवदार के इस पेड़ पर आग लगाकर इसे खड़ा कर दिया जाता है। यह पेड़ रात खुलने तक जलता रहता है। बनालपट्टी के गाँव दो टोक में बटे हैं, एक साठी और दूसरा पानशाही। साठी और पानसाई तोक के लोग इस पेड़ को खड़ा करते हैं जिसे देवलांग कहते हैं। देवलांग अर्थात देवता के लिए लाया गया देवदार का लंबा वृक्ष। देवलांग नीचे से ऊपर की ओर जलती चली जाती है जिसे देखकर आभास होता है कि एक सुंदर सा दीपस्तंभ जल रहा हो। यह दृश्य देखने लायक होता है जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हेलो टॉक न्यूज़, बड़कोट।